बोले। हम सारा दिन यहाँ नहाते थे और छोड़ दिए ऊपर, पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी, कभी बाघ ने कोई हमला नहीं किया। हाँ, जब घर जाने का टाइम होता था यहाँ मिलते थे हमको। अरे सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम उठ गए हैं। उठते उठते उठ ही गए, हमारा प्लान था सुबह जल्दी उठने, पर हम दोनों में से कोई भी सुबह जल्दी नहीं उठा है। अब जाके उठा है और अभी अपनी आगे यहाँ पे चाय, हमारे मामा जी आराम से विष्णु भगवान की तरह लेटे हुए हैं चाय पी। ये विष्णु भगवान का शेष नाग आराम फरमा रहा है। और आपको दिखाता हूँ मैं, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। रवि भाई गुड मॉर्निंग। तो ये है यहाँ का व्यू, तो अभी यहाँ पे उधर हो रहा है सनराइज, इधर की तरफ से सनराइज हो रहा है, और अभी नीचे लगे हुए बादल। ओ भाई का दोस्त आया था भाई रात को, चींचू चींचू भाई तेरा मुंगरी वगैरह लगा रखे है। मुंगरी मतलब हमारे घर वाले मुंगरी को बोलते हैं, भुट्टे को मुंगरी बोलते हैं, ये वो लगा रखे हैं यहाँ पे। तो बस अभी नहाएंगे धोएंगे और यहाँ से निकलेंगे फिर तारकेश्वर मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे सामान वगैरह रख के फिर वहाँ पे सिर्फ अपना एक बैग लेंगे, इसमें गोप्रो का सामान वगैरह होगा, अपना दर्शन करके यहीं पे सामान उठा के फिर सीधा निकल जाएंगे आगे। और आज हम जा रहे हैं कहाँ मामा के गांव, कौन से गांव मामा बताएंगे, कौन से गांव जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं आज नौगांव। नौगांव बहुत सारे हैं। हाँ ये है हमारा नौगांव है, एकेश्वर के पास में। आज हम सब लोग नौगांव जाएंगे, हम पहली बार जाएंगे काफी सालों के बाद, बचपन में हम गए थे। सही स्नाक तो आपके ऊपर बैठ के जाएगा। हाँ मतलब सब एक दूसरे के ऊपर बैठ के जाएंगे क्योंकि सामान इतना सारा है। तो जल्दी से अब नहाते हैं और अब निकलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और हमने सोचा है कि जो मंदिर में कुंज बना हुआ है ना उसी में नहाएंगे अपना। तो वो दोनों आगे जा रहे हैं, मामा दीपू, और अभी नीचे से ऊपर आए ना इसलिए मेरा वो सांस फूल रहा है। और व्यू देखो कितना प्यारा व्यू। तो वह कुंज में अपना नहाएंगे, वहीं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे, उसका जाएंगे आगे मंदिर में दर्शन करने। चैनल मेरा हो गया है, मैंने इसको हैक कर लिया, तो अब आपको इसमें मेरा कंटेंट दिखेगा सिर्फ पुनीत भाई। मस्त लग रहा है। तो अभी हम पहुंच गए मंदिर, और अपने सामने मंदिर भाई अलग ही नज़ारा, और यार शांति बिल्कुल कोई नहीं है, शांति। गाइस पहुंच गए हम, तो पहले इस वाले कुंज में हमें नहाना है, उसके बाद दर्शन करेंगे। और इधर देखो बादल लग रखे हैं, और व्यू देखो यार कितने ऊंचे ऊंचे हैं देवदार के पेड़, देख रहे हो। एक स्टेप और नीचे भाई, ठंड लग रही है। ऐसे तो मां पंच स्नान हो रहा है। नहीं पहले इधर से गीले में दोबारा लगाओ, इधर से गीले में दोबारा लगाओ, कहां से नहीं हुआ। अरे देखो ना कच्चा पूरा सूखा पड़ा है, दोबारा लगाओ, जाओ पूरा जाओ। अबे वो वाटरप्रूफ कच्चा है। चलो और इस कुंड का पानी की एक बात है, अपना आप आता है जमीन से, कोई अच्छा, नल नहीं लगा रखा, खुद से रोता है। मैं ये रेलिंग पकड़ दो तीन। अरे शर्मा जी अरे बस यार बस। ये अब हम जा रहे हैं नीचे डुबकी लगाने, 1 2 3 चलो हम बोले।
1 2 3 अभी नहा धो लिए हैं हम, मतलब नहाने के बाद तैयार हो गए, अभी हम जा रहे हैं फिर दर्शन करने मंदिर में। हमारे साथ मिलेगा तीनों प्रसाद, अब बोर अपने पीछे मंदिर वहाँ जाना है, वहाँ जाएंगे। मामा आ गए हमारे, यार ये बोलना अभी देखो यार कितना प्यारा है, दूर दूर तक एक ही चीज़ और शांति शांति, तो भाई साहब यहाँ देखो तगड़ी शांति है। यहाँ लिखा हुआ है कृपया धाम में डिस्पोजल का प्रयोग ना करें। बात सही, अभी हमने दर्शन कर लिए मंदिर के, और मंदिर के चारों तरफ देखो अभी कोई भी नहीं है, कोई भी इक्के दुक्के लोग हैं, हम लोग हैं, बाकी भाई लोग थे वो चले गए, बाकी कोई भी नहीं है, पूरा शांत पड़ा है। और यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है ना, मतलब जो फीलिंग एनर्जी फील हो रही है उसकी बात अलग है, वो बता नहीं सकते, वो उसके लिए तो आपको खुद ही यहाँ पे आना पड़ेगा। एनर्जी जो मुझे इस टाइम पे फील हो रही है यहाँ पे काफ़ी मतलब पॉजिटिव वाली, एकदम भयंकर एनर्जी, तो काफ़ी अच्छी फील हो रही है। अगर आप लोग आओगे ना यहाँ पे तभी वो चीज़ आपको फील होगी, क्योंकि बता के तो इस चीज़ को फील किया नहीं जा सकता, इस चीज़ को महसूस की तभी किया जाता है, उसी जगह पे जाए तो इसी जगह में आना पड़ेगा आपको, तभी फील होगी। और अभी देखो देवदार कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ और यहाँ इनका यहाँ पे फुटेशन चल रहा है, और ये भी नया बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से इंटीरियर दर्शन कर लिए, और देखो समझनाथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो गाइस ये है त्रिशूल रूपी वृक्ष, और देखो ऊपर ना उसके तीन मुंह निकल रहे होंगे, एक वो वाला भी देखो ये रहा, और देखो ऊपर ना उसके तीन मुंह निकल रहे हैं वहाँ पे, तीन त्रिशूल की तरह, तो इसलिए इसके यहाँ जो कुंड है महिलाओं के लिए नहाने के लिए, और जो वो वाला सामने वो वाला कुंड उसमें आदमी नहाते हैं, तो हम उसी में नहाए थे। अभी लगे हुए हैं प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह भड़कीले गाने नृत्य करना सर्वथा वर्जित है, या धार्मिक स्थान है इसके पवित्र बनाए रखे। हम सारा दिन यहाँ नहाते थे और छोड़ दिए, पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी, कभी बाघ ने कोई हमला नहीं किया, आराम से। हाँ जब घर जाने का टाइम होता था यहाँ मिलते थे हमको। अरे लेकिन आप तो ये किसके सबसे वाला भाई पिकनिक स्थल हो गया। हाँ, पहले जो मेहनत मारते थे वो पूरा होता था।
हो रहा था। अब किसी की मेहनत कितनी बन गई, तो मन का भाव भी तो होता है। अरे अब तो लोग बड़े बड़े और कुल मिला के एंजॉय करने ये शराब पीने वाले आ रहे हो, तो यहाँ शराब पी रहे हो बता, तो उनकी मनोकामना कैसे होगी? अपनी मन की श्रद्धा भी होती है ना, आप बचपन से अच्छा सोचते हो, सब कुछ तो अच्छा करते हुए आ रहे हो, तो आपका सुनेंगे भी। हमारा तो बचपन ही बीता है, अब नहीं रहते काफी साल से जब यहाँ पे जो है ना पहले। अभी भी क्या होता है कि जैसे कोई नया अनाज होता है, हाँ जी, गेहूं हुआ आपका भी, जैसे ये मड़ुआ वगैरह, हाँ, तो यहाँ चढ़ाना पड़ता होगा, नहीं चढ़ता, लेकिन मक्की पहले अनाज का भोग जो है ताड़किशोर को लगता था। अच्छा, अब आजकल तो जब कुछ हो ही नहीं रहा, अब हो गया ना पढ़ने लिखने, कलयुग भी तो हो गया, पहले लोकल लोग करते होंगे तब उनको देखते, बाकी भी करते होंगे। जिस जो गाय मतलब जो गाय भी आती थी उसका 14-15 दिन बाद उसका पहला दूध जो है ताड़किशोर को, उसके बाद तब उसको आएगा, तो पहले दिन वो भंडारा करेंगे, उसके बाद कभी भी आए ये वो। जैसे समस्या यहाँ ये है कि नई पौध नहीं हो रही है, अभी आप गर्मियों में आओ कभी ना, सब लोग अंधे लोग आते हैं, मतलब अंधे लोग जो अगर कोई पेड़ भी है उसको भी कुछ नहीं चला जाएगा, जो नई पौध होती है ना, ये देखो ट्री गार्ड लगे हैं, इतने दुष्ट लोग आते हैं कि ट्री गार्ड को तोड़ करके चले जाएंगे, बताओ ज्यादा भीड़ हो जाती है। हाँ मतलब तो देखना चाहिए ना कि नहीं, वो नियम को फॉलो करना चाहिए, जैसे अभी ये लगा है बाढ़ लगी है, मत जाओ जी, बाढ़ से मत जाओ, रास्ता जो बना उसी पे जाओ, इतना तो करना, या तो बोर्ड ना बहुत चारों तरफ बाढ़ों में भी लग जाए कुछ, मतलब थोड़ा बहुत और करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, ये भी इसी बाउंड्री के अंदर ये देवदार होगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा भी है? हाँ जी, अरे इसी बाउंड्री के अंदर यही खूबसूरती है। हाँ जी, वहाँ एक जगह ऊपर ये वहाँ से अंगड़ी गांव नीचे मतलब सरहद है, अच्छा बॉर्डर लगता है, वहाँ से अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको केवल देवदार की चोटी चोटी दिखाई देगी, केवल चोटी चोटी। अच्छा, तो इतने हिस्से में है देवदार, चलो तो एक डेढ़ किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, इसके बाहर आपको कोई देवदार नहीं मिलेगा। तो जैसे ये जो हो जाते हैं खुद हो जाती है, लगानी पड़ती है, बीज होता है ना, चीड़ का बीज होता है। अच्छा अच्छा, तो वही तो कह रहा हूँ मैंने कि वो अब वो बीज जैसे वो गिरा अब वो उठता है, लेकिन वो जमेगा कैसे, जमे लोग तो यहाँ मतलब थोड़ा सोचना चाहिए ना कि भाई नहीं पौधा है। हाँ सही बात है। अच्छा, अगर वो दिखाई नहीं देते तो ट्री गार्ड लगा है, ट्री गार्ड को कम से कम आप जो है ट्री गार्ड की ये लगे, ट्री गार्ड लगे हैं। हाँ जी, हाँ पूरे लगे थे तो ऊपर तक लगे थे। हाँ अब वो कुछ दोस्तों पे निकालते हैं। हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं ऐसे ऊपर पहाड़ की तरफ, देखते हैं और वहाँ पे व्यू कैसा होता है, तो चलते हैं अभी आगे। मामा चप्पल पहन के आ गए, कीचड़ कीचड़ हो रहा। मेरे तो वही फील आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है मुझे, सही है भाई, सही हो गया अंदर से। जो आ गई ना वीडियो देखने लाइक होगी तुम देखो। तो बस अब यही जंगल जंगल जा रहे हैं, और पीछे मैं चल रहा है, दोनों आगे चल रहे हैं। तो गाना देखो कितना बढ़िया चल रहा है, भोले शंकर, और नीचे वहाँ पानी की आवाज़ आ रही है। यहाँ तक कि लेना निकल पैर नहीं दिखने चाहिए। हाँ ठीक है, ले लो। अब करते हैं मंदिर की स्टोरी की बात। तो मंदिर की स्टोरी दो स्टोरी है जो हमने सुनी है। पहली स्टोरी तो ये है कि ताड़कासुर नाम का जो एक राक्षस था, पहले घोर तपस्या करी और शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। तो शिव जी हमारे भोलेनाथ तो हैं ही भोले, तो उन्होंने उनको उसको दे दिया वरदान की अमर होने का। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को। तो फिर सभी देवताओं ने ऋषि मुनियों ने क्या करा,
भोलेनाथ से, सभी ऋषि मुनि ने क्या करा, भोलेनाथ रिक्वेस्ट करी, भोलेनाथ से बोला कि कृपया इसको मारो, हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो फिर भोलेनाथ ने अपने जो बड़े पुत्र थे कार्तिकेय उसको भेजा उसका वध करने के लिए। तो जब वो मरा ताड़कासुर, तो उसने भगवान से माफ़ी वगैरह मांगी, क्षमा वगैरह मांगी, तो उसने बोला कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो फिर शिव जी ने बोला कि तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ के यहाँ पर तेरी पूजा की जाएगी, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा ताड़केश्वर धाम। गाइस दूसरी स्टोरी है कि दूसरी स्टोरी में जो हमारे ताड़केश्वर नाम के एक हमारे संत वगैरह थे, साधु संत ऋषि मुनि कुछ भी कह लीजिए वो थे, तो उनके साथ जो असवाल जाति के लोग थे उन्होंने उनके साथ छल कपट किया, कुछ करा, तो जिससे कि उन्होंने असवाल जाति को श्राप दिया कि तुम मेरे धाम में कभी नहीं आओगे, तुम्हारा मेरे धाम में आना वर्जित है, और जो तिल का तेल है सिर्फ वही चढ़ेगा, सरसों का तेल भी नहीं चढ़ेगा ताड़केश्वर धाम में। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सबको तिल का तेल चढ़ाना पड़ता है, सरसों का तेल यहाँ पे वर्जित है चढ़ाना, मंदिर के अंदर वो लोग नहीं जाते, पर अगर कोई गलती से अंदर चला गया सवाल जाते तो उनके साथ कुछ ना कुछ फिर घटना घटती है, कुछ ना कुछ उनके साथ होता है। तो ये भी है यहाँ की मान्यता। दो कहानी है, दोनों कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी हमने दर्शन कर लिए हैं, पर पॉजिटिव वाइब्स है भाई, मतलब महसूस हो रही है, अभी भी महसूस हो रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो उन्होंने बोला कि जो लोग यहाँ पे खाने पीने आते हैं वो चीज़ भी गलत है, वो तो आप यहाँ पे आ रहे हैं तो श्रद्धा भाव से आए, कृपया, मतलब ऐसे नहीं आए कि आप पिकनिक के उससे आ रहे हैं या फिर आप खाने पीने आ रहे हैं, ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से आ जाइए, या मन्नत मांगिए, और मुझे जितनी भी आपने लोगों ने घंटे देखे ना यहाँ पे इस चीज़ का प्रतीक है कि यहाँ पे लोगों की मन्नत पूरी है, तो उन्होंने अपनी श्रद्धा से यहाँ पे जो घंटे हैं वो भेंट की है, तो प्लीज़। और एक चीज़ और है जो भाई जी ने बताई कि पहले जो पुराने ज़माने के लोग थे जब वो अपने गाँव में हल वगैरह लगाते थे, तो उस टाइम पर ना जब ज़्यादा तेज़ गर्मी आती थी तो वो क्या करते थे कि ताड़केश्वर महाराज आवाज़ लगाए थे कि अपने गाय वाले को खुला छोड़ दो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है वरना तुम्हारी खेती ख़राब हो जाएगी। और इस वीडियो को फिलहाल करते हैं यहीं पे ख़त्म, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय ताड़केश्वर महादेव की।